तो वहीं आपको बता दें कि सूडान के गृह युद्ध में फंसे 6 राजस्थानी नागरिक जयपुर पहुंचे। मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचे। जयपुर निवासी हसीब खान, शबनम खान, उत्तम सिंह राठौड़, वहीं दशरथ सिंह और ओंकार सिंह। दशरथ सिंह मुंबई से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, राजस्थान फाउंडेशन की ओर से रिसीव किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सकुशल इन्हें वापस लाया गया है स्वदेश। अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया उन्होंने पूरे आदमियों को निकालने में। उसके बाद अपने यहाँ गहलोत सरकार का, राजस्थान सरकार का बेइंतहा आभारी हूँ। उन्होंने दिल्ली उतरते ही पूरा टेक ओवर कर लिया पूरा ध्यान, और वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। कुछ दिक्कतें हुई? देखिए वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, पूरा वार का सिस्टम है, तो कोई भी इतनी जल्दी सब काम नहीं कर सकते। वो लोग जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं कर सकता जितना इंडियन ग्रुप कोई कर रहा है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सब लोगों का नए पासपोर्ट बनाना, इशू करना, उनको ठहरने का इंतज़ाम, उनका खाने का इंतज़ाम, दिस अनबिलीवेबल। वहाँ किस तरह के हालात थे? वहाँ तो पूरी गोली चल रही है, गोलीबारी का सिस्टम है पूरा। हम लोग 7 दिन से घर में बंद थे और खाने पीने का सब सामान ख़त्म होने लगा था। तो वहाँ के लोकल लोग भी गाँव में भाग गए, क्योंकि जितने भी सुपरमार्केट वगैरह थे वो सब लूट लिए आरएफएस ने। तो पोजिशन ऐसी थी, अभी भी कुछ लोग, बहुत से लोग 250-300 आदमी पोस्ती जगह है वहाँ पे जो फंसे हुए हैं। आपने कुछ देखा वहाँ पे इस तरह के हालात? हाँ, हम तो वहीं तो थे, खास खारतून में ही थे। बस चारों तरफ मिसाइलों का अटैक चल रहा था, बम ब्लास्टिंग हो रही थी, स्टैंड गन वगैरह चल रही थी, गोलियों की आवाज़ थी चारों तरफ। सर आप आगे इंडिया वापस आ गए, अपने मदरलैंड में आ गए वापस, क्या कहना चाहेंगे, किसको आप श्रेय देंगे आप लोगों को वहाँ से सेफली निकाल कर लाने के लिए? नहीं, हमारा तो दोनों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर, और दूसरे के जितने भी इंडियंस हैं यंग, वो सारे वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के अंदर निकालने के लिए सारा काम निकालने का काम कर रहे हैं पूरा। अभी लग रहा था सर कि सरकार के हालात बन रहे हैं, निकलना मुश्किल हो सकता है, या फिर आपने हिम्मत नहीं हारी वहाँ पर? नहीं, हिम्मत किसी ने भी नहीं हारी, और थोड़ी बहुत तो परेशानी हुई क्योंकि नेटवर्क वगैरह सब ख़राब है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरा नेटवर्क टेलीफोन नहीं चल रहा तो मैं किसको कंप्लेंट करूँ, वो तो इत्तेफाक की बात। थैंक यू सर, नाम बोल दीजिए अपना। हबीब खान, आपसे भी बात करते हैं साथ। यही सर, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि मैं अपने कंट्री आके बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा हुआ था वहाँ की, मैं सोच रही थी कि वापस जाएंगे या नहीं। तो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला हम लोगों को खारतून से निकालने में। वहाँ के हालात के बारे में कुछ बताएं? वहाँ के हालात के बारे में तो ये है कि चारों तरफ से आवाज़ें और धमाके और मशीन गनों की आवाज़ें सुनते थे, लाइटें चली जाती थी और मोबाइल के नेटवर्क चले जाते थे। बहुत सारे घरों में लाइटें नहीं थी और पानी भी नहीं था, क्योंकि सारा सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया था उन लोगों ने। और एक हफ्ते तक तो हम लोग सोच रहते रहे कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एकदम लगा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं होगा। फिर भगदड़ मच गई कि सबको निकलना है बाहर, तो हम लोग भी फिर निकलने की कोशिश में रहे। तो एम्बेसी वाले जो थे, अप्रॉक्सीमेटली कितने इंडियंस मैम वहाँ पे फंसे हुए थे, क्या सबको निकाल लिया गया है? कुछ लोग अभी नहीं, अभी फंसे हुए हैं, चल रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को, हज़ारों लोग थे, हम ऐसे बता नहीं सकते कि कितनी होंगे वो। मेरे ख्याल से सुना था कि 5,000 तो गुजराती हैं, और उसके अलावा भी 5,000 अदर स्टेट के होंगे, तो 10,000 तो होंगे ही, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, सुनी हुई बात है। अपने घर पहुंचने पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है घर पहुंचने के ऊपर। एक बार तो सोचा था कि शायद हम लोग खारतून से बिल्कुल कनेक्शन कट चुका था, क्योंकि वो लोग आने जाना भी मुश्किल हो गया। आप लोग सारे खारतून में ही थे क्या? जी, हम लोग खारतून में थे। और कौन कौन लोग आए? और गहलोत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है, भारत सरकार का, गहलोत सरकार का शुक्रिया। हम लोग यहाँ इधर रहते हैं, शांति नगर।
शांति नगर सिविल लाइन्स सिविल लाइन्स इधर आइए, आप आगे आइए, इधर आ जाओ ना, इधर ही बुला लो आगे उनका उनको उनका मैडम आप थोड़ा उनकी तो ले लेंगे इनकी। तो अभी आपने हसीन खान और शबनम खान को सुना, हसीब खान और शबनम खान, क्योंकि जब पहुंचे स्वदेश तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसको श्रेय देंगे आपको वहाँ से सेफ्टी, आप लोगों को निकाल कर ले आए हैं सेंटर गवर्नमेंट में। आप वहाँ पे काम से गए हुए थे? काम करते हैं। तो किस तरह से वहाँ पर फंस गए, कि आप क्या हालात वहाँ पर पैदा हो गए उसके बारे में? खारतून में 6 दिन बस फंसे रहे उधर। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी क्या वहाँ? खाने पीने की भी नहीं, लाइट भी नहीं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो लोग पहुंचे हैं और कितनी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, वो तमाम बातें उन्होंने साझा करी हैं। वहीं इसी के साथ गहलोत सरकार का आभार व्यक्त किया, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया कि इतनी परेशानियों के बीच में भी उन्हें स्वदेश वापस लाया गया है। उसके बाद जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो उन्हें वापस राजस्थान लाया गया है, इसके लिए उन्होंने गहलोत सरकार का आभार व्यक्त किया है। तो सूडान में हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, गृह युद्ध जैसे वहां पर हालात हैं और कैसे बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, ये आवाजें उन्हें सुनाई देती थी। कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उम्मीदें खत्म होती जा रही थी कि हम अपने घर भी कभी लौट पाएंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि केंद्र सरकार लगातार लगी रही तो केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। हालांकि अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, ये भी उन्होंने जानकारी साझा करी और एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके चेहरे पर ये खुशी आप देख सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने गहलोत सरकार का आभार व्यक्त किया कि हम जैसे ही केंद्र सरकार ने हमें दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाया, वहां से अब हमें राजस्थान लाया गया है, हम अपने घर जा रहे हैं, काफी खुश हैं, ये बातें साझा की है। तो सूडान के गृह युद्ध में फंसे 6 राजस्थानी नागरिक जयपुर पहुंचे, मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचे। जयपुर निवासी हसीब खान, शबना खान, उत्तम सिंह राठौर, दशरथ सिंह, ओंकार सिंह, और इसी के साथ आपको बता दें कि दशरथ सिंह मुंबई से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, राजस्थान फाउंडेशन की ओर से रिसीव किया गया है। तो तस्वीरें एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। जब घर वापसी हुई है, जब वापस घर आए हैं तो काफी एक खुशी देखी जा रही है,